प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे सबसे शक्तिशाली मंदिर की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आप जानेंगे देवी माता के एक ऐसे रूप की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भक्तजनों। साथ ही आप जानेंगे कि माता के इस रहस्यमयी मंदिर में रहस्यमयी चमत्कार की मंदिर की दीवारों से लगी आसपास की पहाड़ियों में शुद्ध घी न जाने अपने आप कहां से टपकता रहता है, और इतना घी कि आप नीचे बड़ा बर्तन रख दे और अगले दिन आकर ले जाए, बर्तन घी से भरा आपको मिलेगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या दुर्घटना हो गई, क्या घटना घट गई कि उस पहाड़ी से घी टपकना अपने आप बंद हो गया। तो भक्तजनों आइए जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली चमत्कारी घी वाले मंदिर के बारे में, जहां लगातार पहाड़ी से पानी नहीं बल्कि घी टपकते रहता था। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हिमाचल राज्य को देवी देवताओं की भूमि और यहां की आबोहवा में कई रोचक कहानियां भी छुपी पड़ी है। उन्हीं मंदिरों में से एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है कोयला माता का मंदिर। जी हाँ भक्तों, कोयला माता का मंदिर। भक्तजनों, कोयला माता मंदिर हिमाचल राज्य के मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर एक समय कोलासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था, जिससे आसपास के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तभी सभी भक्तों ने आर्त स्वर में देवी माता से प्रार्थना की कि वे उनकी कोलारस नामक राक्षस से रक्षा करें। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर देवी माता आद्य शक्ति ने यहाँ पर कोलासुर नामक राक्षस का वध किया था और अपने भक्तों को कोलारस के प्रकोप से बचाया था। प्रिय भक्तजनों, तभी से माता का नाम कोयला माता पड़ गया। यहाँ माता के दर्शन के लिए दूर दूर से माता के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भक्त आते हैं। प्रिय भक्तजनों, कुछ और लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में राजगढ़ की पहाड़ी पर यह मंदिर एक चट्टान के रूप में ही था। बाद में यह मंदिर कैसे अस्तित्व में आया और कोयला माता की पूजा अर्चना कैसे शुरू हुई, इसके बारे में एक बहुत प्रचलित पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि यहाँ एक समय राजगढ़ और आसपास के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन मातम का माहौल छाया ही रहता था। हर दिन किसी न किसी के घर पर कोई न कोई व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो ही जाता था। हर घर में इसको देखकर बड़ा डर सा बना हुआ रहता था। इसी कारण राजगढ़ क्षेत्र का दाहुल शमशान घाट किसी भी दिन बिना चिता जले के खाली नहीं रहता था। हर दिन कोई न कोई मुर्दा इस शमशान घाट में जला ही करता था। यदि किसी दिन शमशान घाट में सौ नहीं पहुंचता तो उस दिन वहां पर घास का पुतला जलाना पड़ता था। भक्तजनों, स्थानीय लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि चिता के न जलने से शायद कभी उन्हें किसी प्राकृतिक प्रकोप या कोई बड़ी आपदा का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसी भय के कारण अपनी और अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए इस तरह जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती थी उस दिन पुतला जलाया जाता था, और फिर वहां पुतला जलाने की प्रथा आरंभ हो गई। और जिस भी दिन कोई मृत्यु नहीं होती थी लोग उस दिन अपने घर से घास निकालकर एक व्यक्ति के आकार का पुतला बनाते थे, उसको विधिवत शमशान घाट तक उसकी शव यात्रा निकाल कर ले जाई जाती थी और फिर वहां उसका दाह संस्कार किया जाता था। प्रिय भक्तजन, इस तरह हर दिन अंतिम संस्कार करके वहां के स्थानीय लोग तंग आने लगे थे और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे। हर दिन मातम और दुख के माहौल से बचने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोगों ने देवी माँ की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना की, हे माता, या तो आप हमें मृत्यु प्रदान कर दे या इस समस्या से हम सबकी रक्षा करो। अपने भक्तों के आर्त सुनकर आद्य शक्ति माता महाकाली प्रसन्न हो गई और देखते ही देखते वहां एक व्यक्ति के शरीर में देवी माँ प्रकट हो गई
और उस व्यक्ति की वाणी से माँ काली बोलने लगी, जिसे स्थानीय भाषा में खेलना भी कहते हैं। भक्तजनों, माता कहने लगी, हे मेरे बच्चों, मैं यहाँ की कल्याणकारी देवी हूँ और आज प्रसन्न होकर तुम्हें घास के पुतले जलाने की इस प्रथा से मुक्त करती हूँ। हे बच्चों, तुम सभी सुखी रहो और मेरी यहाँ पर स्थापना कर दो। वहाँ उपस्थित लोगों ने जब व्यक्ति के मुख से देवी के शब्दों को सुना तो उन्होंने देवी माँ से कही बात का प्रमाण मांगा। इस पर उस खेलने वाले व्यक्ति ने पास की विशाल एक चट्टान की ओर इशारा किया, जिससे देखते ही देखते उस चट्टान से घी की धार टपकने लगी। माता के प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर वहाँ के सभी स्थानीय लोग प्रसन्न हो गए और वहाँ माता की स्थापना करके वहाँ एक भव्य मंदिर बना दिया और फिर वहाँ नियमित पूजा आराधना की जाने लगी। प्रिय भक्तजनों, उसके बाद माता की कृपा से यहाँ किसी की भी अचानक मौत होना बंद हो गया और आए दिन जो पुतला जलाना पड़ता था उससे भी सबको मुक्ति मिल गई। इसके कारण उसी गांव के नहीं वहाँ आसपास के गांव में भी खुशी का वातावरण पुनः मिल गया। प्रिय भक्तजन, इसके बाद यहाँ से हमेशा शुद्ध घी की धार बहने लगी उस पहाड़ी से जहाँ माता ने अपनी दृष्टिपात की थी, और इसका उपयोग लोग माँ की जोत जलाने के साथ साथ अपने घरों में भी करने लगे थे। प्रिय भक्तजनों, उक्त घटना के बाद वहाँ उस चट्टान से हमेशा घी की धार बहती ही रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक इस चट्टान से घी टपकना अपने आप बंद हो गया। इससे वहाँ के लोग फिर चिंतित हो गए और कहने लगे, सोचने लगे कि कहीं माता हमारी किसी गलती के कारण नाराज तो नहीं होगी, इसीलिए शायद यह चट्टान से घी टपकना बंद हो गया। लेकिन भक्तजनों, बहुत पता लगाने के बाद जब पता चला कि एक बार एक व्यक्ति अपनी भेड़ बकरियों को लेकर इसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी चढ़ाई चढ़ने के बाद वह कुछ समय आराम करने के लिए उसी चट्टान के समीप बैठ गया जिससे घी टपकता था भक्तजनों, और वह वहां बैठकर भोजन करने लगा। भोजन करते वक्त उसने अपने हाथ की जूठी रोटी पर ही घी लगाने के उद्देश्य से उस जूठी रोटी को चट्टान पर रगड़ दिया और जूठन के फलस्वरूप उसी दिन से उस चट्टान से घी टपकना पूरी तरह बंद हो गया। भक्तजनों, ऐसा माना जाता है कि कोलारस नामक असुर का वध तथा देवी के चमत्कारों के कारण ही राजगढ़ के इस मंदिर का नाम कोयला मंदिर रखा गया और फिर यहाँ पूजा करना आरंभ हो गई। और आज भी मंदिर में माता कोयला के पूजन के साथ साथ चट्टान का भी पूजन ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे कि पहले घी टपकने पर किया जाता था। बस फर्क इतना है कि अब चट्टान से घी नहीं टपकता, लेकिन आज भी देवी के चमत्कार फिर भी लोगों को किसी न किसी रूप में देखने को मिलते ही है। यहाँ जाने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की सभी तरह की मनोकामनाएं माता कोयला पूरा कर देती है, उनको मन चाहे वरदान प्रदान करती है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजन, उपरोक्त कोयला माता मंदिर से जुड़ी यह रहस्यमयी अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।